मणिपति पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कल्याण ज्वेलरी के आईपीओ पर चर्चा करेंगे। कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है और आईपीओ का स्टार्ट डेट है 16 मार्च, एंड डेट है 18 मार्च। भाव है 86 और 87 रुपए। 87 रुपए मतलब आपको हमेशा आईपीओ अपर प्राइस पे लेनी चाहिए, इससे सब्सक्रिप्शन का चांसेस बढ़ जाता है और अगर आईपीओ काफी ज्यादा सब्सक्राइब हुआ तो आपके चांसेस ज्यादा रहेंगे कि बहुत लोग हो सकता है 86 के भाव पे पैसा लगाए। आईपीओ का लॉट साइज है 172 और कुल कम से कम आपको 14,964 रुपये इस आईपीओ में निवेश करने पड़ेंगे। अगर हम कंपनी की बात करें तो कल्याण ज्वेलरी एक ज्वेलरी सेक्टर की कंपनी है। यह भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। कंपनी भारत और मिडिल ईस्ट में है। भारत के 21 राज्यों में यह कंपनी है और 21 राज्यों में इनके 100 से ज्यादा शोरूम है। अगर विदेश की बात करें हम तो विदेश में जैसे यूएई, कतर, कुवैत और ओमान जैसे देशों में इनके 20 से ज्यादा शोरूम है। तो एक तरह से कंपनी भारत के मेनलैंड, भारत नॉर्थ ईस्ट को अगर आप छोड़ दें, नॉर्थ ईस्ट और लक्षद्वीप अंडमान को छोड़ दें तो मेनलैंड भारत में फैली हुई है और मिडिल ईस्ट के चारों देशों में इसका अच्छा खासा फैलाव है। कंपनी के अलग अलग ब्रांड है अलग अलग कंज्यूमर टाइप के लिए और अलग अलग ओकेजंस के लिए, जैसे मुद्रा ब्रांड, ये एंटीक ज्वेलरी है, नेकलेस बैंगल, निमा ये सोने के जो नेकलेस रिंग और चैन के लिए, अनोखी अनकट डायमंड ज्वेलरी है, रंग ये जेम स्टोन ज्वेलरी है, इमरेल्ड रूबी जैसा, तेजस्वी पोलकी डायमंड ज्वेलरी है जैसे ब्रेसलेट नेक पीस, जिया डायमंड ज्वेलरी है पेंडेंट और ब्रेसलेट, लाया स्पेशल डायमंड ज्वेलरी है और इसमें सोना जो है वो गुलाबी पिंक रंग का रहता है ताकि ये एकदम अलग एहसास दे। ग्लो इंक का एक ब्रांड है डायमंड पेंडेंट का, वेधा ब्रांड है एंटीक अनकट डायमंड का, अपूर्वा एक थीम बेस्ड ज्वेलरी ब्रांड है, जैसे शादी वादी के लिए स्पेशल ओकेजन के लिए जो ज्वेलरी लगती है वो अपूर्वा ब्रांड की हो गई। फिर हेरा ब्रांड है एफोर्डेबल रेंज मतलब किफायती दामों पे डायमंड की ज्वेलरी। कंपनी का अपना ऑनलाइन स्टोर भी है और वह कैंडेरे ब्रांड के अंदर अपने ऑनलाइन स्टोर से कैंडेरे ब्रांड के अंतर्गत ऑनलाइन उत्पाद बेचती है। इनका अमेजन पे अच्छा खासा रिव्यू है, रेटिंग अच्छे हैं और इनके ऑनलाइन वेबसाइट को मैंने विजिट किया था, उस वेबसाइट से काफ़ी इम्प्रेसिव हुआ मैं, काफ़ी अच्छा लगा, क्वालिटी भी अच्छी थी और काफ़ी वैरायटी भी थी। कंपनी का 2021 9 महीनों का रिजल्ट अगर आप देखें तो अच्छा नहीं रहा है, कोरोना उसमें सबसे बड़ा कारण था, 800 करोड़ का कंपनी को घाटा हुआ है, तो विगत साल कंपनी के लिए अच्छा नहीं रहा। अगर वैसे बात करें ज्वेलरी एज अ सेक्टर की तो मैं बहुत ज्यादा बुलिश नहीं हूँ। ज्वेलरी सेक्टर की कुछ कंपनियों काफी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी में भी रही है। दूसरा, अगर ब्रांडेड ज्वेलरी की बात करें तो तनिष्क टाटा ब्रांड से आता है जिसपे लोगों का बहुत ज्यादा भरोसा है, वो सबसे बड़ा कंपटीटर है इसका। दूसरा, अनऑर्गेनाइज सेक्टर अभी भी काफी ज्यादा प्रचलन में है, लोग अभी भी अपने घर के नजदीक के सुनार से सोना लेना पसंद करते हैं क्योंकि सोना कीमती चीज है और पर्सनली जाके अगर आप रिलेशनशिप बनाते हैं और वो ईयर लॉन्ग रिलेशनशिप बना रहता है और लोग उसको ज्यादा प्रेफर करते हैं ऑनलाइन स्टोर या दुकान से लेने की अपेक्षा, तो ये एक भी बात भी है क्योंकि वहाँ वो जानते हैं किसको किससे जाके हमें मिलना है और कुछ बदलवाना है तो कहाँ जाके बदलवाना है, तो ये एक बात भी सोने के लेके भारत में है। मुझे बहुत अच्छी सब्सक्रिप्शन की उम्मीद इसमें नहीं लग रही है, लेकिन सब्सक्रिप्शन डेटा देख के और क्लैरिटी आ जाएगी, मुझे उतनी उम्मीद नहीं लग रही है अच्छे सब्सक्रिप्शन की। यहाँ अगर मैं बात करूँ अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए तो सब्सक्रिप्शन डेटा देख के आपको मेक मनी विथ आईपीओ आर्टिकल पढ़ें, उससे आपको आइडिया लगेगा कि सब्सक्रिप्शन डेटा देख के कैसे
पता किया जाए कि हमें किसी आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आर्टिकल का लिंक वेबसाइट के डिस्क्रिप्शन में भी है। यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं सेबी पंजीकृत नहीं हूँ। इस वीडियो में जो भी जानकारी दी गई है वह मेरी खुद की रिसर्च है और मैं इसे साझा करता हूँ ताकि दूसरों को मदद मिल सके। और भविष्य के वीडियो के लिए आप मणिपति यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।